तो लास्ट लास्ट में हमने चैप्टर नंबर 3 जो है उसको कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 4 जो है ये दो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, एक है मैट्रिसेस का और एक है डिटरमिनेंट्स का। दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग, अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, मैं इस चैप्टर के स्टार्ट में क्लियर कर दूं कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स ये दो अलग चीजें हैं। ये बात मुझे इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि मैट्रिसेस को आप स्क्वायर ब्रैकेट से लिख रहे होते हो और डिटरमिनेंट्स को आप वर्टिकल बार लगाई हुई होती है आपने, जैसे आप मॉड लिखते हो ना वैसे आप लिख रहे होते हैं, बस वो एक बड़ा आपने दो वर्टिकल लाइन लगाई हुई होती है। तो डिटरमिनेंट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज होती, दो वर्टिकल लाइन होती है, मैट्रिसेस के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है। इन दोनों में फर्क है, इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क है, इनमें ऑपरेशन जो आप करोगे उसमें फर्क है, तो कभी भी इनको आपस में मिक्स नहीं करना। तो पहले हम मैट्रिसेस पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट जो पोर्शन है उस पे आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैट्रिसेस से। आप लोगों ने अभी चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, मैंने आप लोगों को पहले वो पढ़ाया था सेट का, उसके अंदर आपने एक चीज देखी थी कि सेट क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स होती है, ठीक है, नंबर्स हो अल्फाबेट हो उनकी कलेक्शन होती है, उसको आप लिखते किस तरीके से हो, कॉमा से सेपरेट करके पूरा लिख रहे होते हो। मैट्रिसेस जो है वो भी एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स या कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स होती है, बस उसके लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे सेट में आप एक पूरी रॉ की फॉर्म में लिख रहे होते हो और कॉमा कॉमा से सेपरेट कर रहे होते हो, मैट्रिसेस के लिखने का तरीका अलग है। तो अगर आप एक खास पैटर्न से लिखोगे उसको आप मैट्रिसेस बोल दोगे, और अगर आप बिल्कुल रॉ की फॉर्म में लिख दोगे तो उसको आप सेट बोल दोगे। इसी तरह सेट को आप कर्ली ब्रैकेट से शो कर रहे होते हो, मैट्रिसेस को आप या तो स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हो या राउंड ब्रैकेट से भी हम शो करते हैं। अब वो खास तरीका क्या है मैट्रिसेस को लिखने का, उसके दो तीन पॉइंट है। सबसे पहली बात है कि जो पैटर्न होगा ना वो रेक्टेंगुलर होगा, सबसे पहली चीज कि आपने, अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, मैंने पहले भी बात क्लियर की थी कि जो स्क्वायर है ना उसको भी आप रेक्टेंगल कहते हो, स्क्वायर को भी आप रेक्टेंगल कह सकते हो। तो जब बात रेक्टेंगुलर पैटर्न की होती है तो रेक्टेंगल भी आ जाता है, उसके अंदर स्क्वायर भी आ जाता है। स्क्वायर को आप रेक्टेंगल नहीं कहते लेकिन सॉरी, रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं कहते लेकिन स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल देते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये है कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, तो स्क्वायर में ऐसे ही होता है। तो स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हो लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर की डेफिनेशन पे नहीं बोला जाता। तो जो आपका पैटर्न है ना वो रेक्टेंगुलर है, उसमें रेक्टेंगल्स भी आ जाएंगे जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और उसमें स्क्वायर भी आ जाएंगे, तो जरूरी नहीं कि हमेशा रेक्टेंगल बन रहा होगा, दोनों शेप बन सकती है मैट्रिसेस की। वो दो अलग टाइप भी है, एक को आप रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोलते हो और एक को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हो। पर तो जो आपका पैटर्न है ना पूरा नंबर्स को लिखने का, वो रेक्टेंगुलर अंदाज में लिखना है आपने, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ऑफिस से जब आप रेक्टेंगुलर पैटर्न में लिखोगे तो रॉस एंड कॉलम्स बन जाएंगे आपके पास, ठीक है, जब आपने रेक्टेंगुलर पैटर्न में लिखा तो उसमें रॉस और कॉलम बन जाएंगे। उसके बाद एक और चीज क्या है, तीसरी चीज, के इन नंबर्स को आपने इनक्लोज करना है। अब इनक्लोज किस तरीके से करोगे, या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो या आप राउंड ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। अब इन सब चीजों को मैं कंबाइन करके आपको एग्जांपल देता हूं, याद रखना मैट्रिसेस को आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो, कभी भी स्मॉल लेटर से आप मैट्रिसेस या सेट को रिप्रेजेंट उसको नाम नहीं देते, हम कैपिटल लेटर से ही सेट और मैट्रिसेस को नाम देते हैं। तो मैट्रिसेस को आप राउंड ब्रैकेट से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखो तो एक रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है पूरा ये, ठीक है। तो ये जिस पैटर्न में मैंने लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर पैटर्न है, रॉस और कॉलम्स भी मैंने अरेंज किया हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको आप रॉस बोलते हो, जो वर्टिकल लाइन है उनको आप कॉलम्स बोलते हो, और आपने इनक्लोज किससे किया हुआ है, राउंड ब्रैकेट से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपकी बुक में सिन बोर्ड में ज्यादातर आपको राउंड ब्रैकेट से ना नजर आए, स्क्वायर ब्रैकेट लिखी हुई होती है। तो मैटर नहीं करता, आप जिस ब्रैकेट से भी लिखना चाहो लिख लो, दोनों नोटेशन होती है मैट्रिसेस की। तो ये तो बेसिक बात होगी मैट्रिसेस से रिलेटेड। फिर मैट्रिक्स की एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है।
तो ऑर्डर का मतलब ये कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर कितनी रॉस और कितने कॉलम्स हैं। पहले आप रॉस बताते हो, फिर आप कॉलम बता रहे होते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ओ ए का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आप बोलोगे इसके अंदर दो रॉस हैं, मतलब दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और तीन वर्टिकल लाइंस हैं, मतलब तीन कॉलम्स हैं। अब रॉस और कॉलम्स को हम इस तरह लिख देते हैं, उसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता, ये लिखने का तरीका होता है कि टू रॉस है, तीन कॉलम्स है इसके अंदर, और पढ़ते किस तरह है, हम इसको 2 by 3 कह देते हैं, 2 by 3। तो अगर आपसे पूछे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 by 3 है, दो रॉस है, तीन कॉलम्स है उसके। तो ये मैंने थोड़ी बेसिक सी बात बता दी आपको कि मैट्रिसेस होती क्या है, लिखते किस तरीके से हो, डिनोट किस तरीके से हम करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं, ऑर्डर क्या होता है। अब एक आखिरी चीज देख लो, अगर मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को आपने, इंग्लिश का वर्ड मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उर्दू में कहते हैं ना मुखातिब करना, आपने किसी भी एलिमेंट को मुखातिब करना है, ठीक है, जैसे मैं 5 से मुखातिब हूं तो मैं इसको किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ए आई जे, स्मॉल ए लिखते हैं और नीचे लिखते हैं आई जे, ठीक है। किसी भी अगर एलिमेंट को आपने रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसको आप इस तरह लिखते हो। अब आई जे की जगह आप उस एलिमेंट की पोजीशन लिखते हो, अगर मैं 5 को मुखातिब करना चाह रहा हूं तो 5 सेकेंड रॉ के अंदर है और सेकेंड ही कॉलम के अंदर है, तो मैं लिखूंगा ए 2 2, इसका मतलब होगा वो वाला एलिमेंट, सिंबलाइज नहीं, सिंबलाइज करनी है, इसका मतलब वो होगा ए 2 2 का मतलब पहली बात एलिमेंट होगा, मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि स्मॉल ए के साथ लिखा हो ना, तो इसका मतलब किसी एलिमेंट को आप मुखातिब हो। अब वो एलिमेंट क्या है, वो आप पोजीशन देखोगे, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम, तो ये दूसरी रॉ है, ये दूसरा कॉलम है, इसका मतलब बात की जा रही है यहाँ पे 5। तो किसी भी एलिमेंट को अगर आपने करना हो मुखातिब, तो आप ये वाला नोटेशन जो है यूज कर लेते हो। तो अब से आप कहीं भी देखो ना, ए 2 2 लिखा हुआ है, या लेट करो 2 3 होता हो, तो फिर इसकी बात हो जाती है, तो इससे हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बस ये मैट्रिसेस की बेसिक है, बाकी हॉरिजॉन्टल रॉस कॉलम ये तो सब आपको बेसिक डेफिनेशन पता ही होगी इनकी। अब आ जाओ असल चीज के ऊपर, जैसे सेट में मैंने बताया था कि जो मेजर पोर्शन है वो टाइप्स का है, जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें जो मैट्रिसेस का मेजर पोर्शन है वो टाइप्स है, डिटर्मिनेंट में इसकी प्रॉपर्टीज काफी मेजर पोर्शन है, लेकिन मैट्रिसेस के अंदर जो इसकी टाइप्स है वो काफी मेजर पोर्शन है। कुछ आप लोगों को टाइप्स आती होंगी, कुछ आप लोगों के लिए न्यू होंगी। चलिए, सबसे पहली टाइप हमारे पास क्या है, रॉ मैट्रिक्स। तो एग्जांपल से जरा हम समझेंगे, डेफिनेशन को तो छोड़ दो, डेफिनेशन आपको कहीं भी मिल जाएगी। ये रॉ मैट्रिक्स क्या होती है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, रॉ मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर एक ही रॉ है। अगर आप किसी मैट्रिक्स में देखो उसके अंदर एक रॉ मौजूद है, इसका मतलब उसको आप रॉ मैट्रिक्स कहोगे। एग्जाम्पल इसको देख लो जरा, अच्छा मुझे राउंड ब्रैकेट डालते हुए मजा आता है, तो घबराना नहीं, इससे आप स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, दोनों नोटेशन होती है। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो तो इसके अंदर एक ही रॉ है, कॉलम 4 है लेकिन रॉ एक ही है। अगर मैं आपको बोलूं इसका ऑर्डर बताओ, तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 by 4, एक रॉ है और 4 कॉलम है इसके अंदर। तो कोई भी रॉ मैट्रिक्स होगी उसके अंदर हमेशा एक रॉ होगी, कॉलम जितने हो सकते हैं। जनरल फॉर्म क्या होगी, मतलब रॉ मैट्रिक्स के ऑर्डर की जनरल फॉर्म क्या होगी, तो कोई भी अगर रॉ मैट्रिक्स है ना, उसके ऑर्डर की जनरल फॉर्म होगी 1 by n। अच्छा, हम जो रॉ नंबर है ना उसको m से शो कर रहे होते हैं, मतलब जनरल फॉर्म में हम इस तरह लिख रहे होते हैं, m by n, where m जो है वो रॉ को शो कर रहा होता है, n जो है वो कॉलम को शो कर रहा होता है। तो उसी फॉर्म में मैंने लिखा है कि m की जगह मैंने 1 लिख दिया और n की जगह मैंने n ही रहने दिया। उसका मतलब ये है कि कोई भी रॉ मैट्रिक्स होगी उसकी पहली चीज जो है वो 1 होगी, मतलब उसके अंदर एक ही रॉ होगी, कॉलम जितने भी हो जाए उसके, जैसे इस वाले केस में 4 कॉलम थे, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कुछ भी कॉलम हो जाए, लेकिन रॉ जो है उसकी एक ही रहेगी। तो कोई भी रॉ मैट्रिक्स है ना, उसके ऑर्डर की जनरल फॉर्म क्या होती है, 1 by n, वेयर n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ऑब्वियसली कोई नेचुरल नंबर ही पुट करोगे। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, जैसे आपने ये पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स भी वैसे ही है। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर एक ही कॉलम होता है, दैट्स इट। जैसे कंसीडर कर लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4,
अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो, इसके अंदर एक ही कॉलम है, रॉ चार है इसके अंदर, लेकिन कॉलम एक ही है। इसका भी अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर क्या होगा? अब इसके अंदर चार रॉ है, एक दो तीन चार रॉ है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन है वो एक ही है, कॉलम एक ही है इसके। तो अगेन अगर इसकी जनरलाइज बात की जाए तो इसका ऑर्डर क्या होगा? किसी भी कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m by 1, वेयर कॉलम हमेशा इसका 1 रहेगा, रॉ चेंज होती रहेंगी, दो रॉ भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। ये बेसिक बात होगी रॉ और कॉलम मैट्रिक्स से रिलेटेड। अच्छा, इनको डिफरेंट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, कहने का मतलब अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए ये चीज, अभी हम आगे पढ़ेंगे लेकिन आपको पहले से पता होगा, फर्स्ट ईयर पढ़कर आए हो, एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज में आप रॉस को कॉलम में तब्दील कर देते हो। तो अगर आपके पास ये चीज आ जाए और अब आपसे पूछा जाए कि ये मैट्रिक्स ए क्या है, तो अब ये मैट्रिक्स ए कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो एक रॉ है ना, जब आप ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज में रॉ को आप कॉलम में तब्दील कर देते हो। तो ये पूरी मैट्रिक्स अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो वह कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। तो जरा ध्यान देना एग्जाम में इस चीज पे, ये ना आप इस वाले पैटर्न को देखो और बोलो रॉ है वो, आप ऊपर भी देखो, अगर ट्रांसपोज होगा तो वो रॉ कॉलम में तब्दील हो जाएगा, तो अब आपकी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। या इस वाले केस में अगर यहाँ पे ट्रांसपोज लग जाए तो अब ये कॉलम जो है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? रॉ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं रहेगी बल्कि रॉ मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस चीज का आप लोग खास ख्याल रखना। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हो गई हैं, और भी बेसिक बातें कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। मैं हाल में मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक पॉइंट लिखवा देता हूँ जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉस एंड कॉलम सेम होते हैं। ऐसी रॉ जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम सेम है, 3x3, तीन रॉ है तीन कॉलम है, 2x2, दो रॉ है दो कॉलम है, तो उस वाली मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हो। असल चीज क्या है कि इसका ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर होता है m by n, वेयर जो m है वो बराबर होता है n। ये असल चीज एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं आपसे, सर m x n बता दें। यार मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला m x n, पता नहीं कहां पे लिखा हुआ है। ये ऑर्डर होता है, मैं हल में उसकी बात कर रहे हो। ये ऑर्डर इस तरह हम लिखते हैं, पहली चीज रॉ होती है, दूसरी चीज कॉलम होती है, बाकी आप लेट आए हो शुरू में मैंने पूरा बता दिया, तो आप शुरू की चीज देख लेना, वहां पे मैंने बताया किस तरह आप रिप्रेजेंट करते हो ऑर्डर को। अच्छा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, जनरल फॉर्म क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर की? m by n। लेकिन अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें m और n जो है वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब उसके अंदर जितनी रॉज है उतने ही उसके अंदर कॉलम होंगे। तो एग्जाम में वो पूछ सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m by n है, वेयर m इक्वल टू n, तो इसका मतलब वो बात की जा रही है स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है। अच्छा, याद रखना कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसके लिए फिर आप दो डायमेंशन देने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपको बोलूं एक मैट्रिक्स ए है 3x3 की, ठीक है, या ये जुमला ठीक हो जाएगा। या अगर मैं बोलूं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3x3, अब ये जुमला मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं शुरू में बोल रहा हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर 3x3 बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। जब वो स्क्वायर है तो उसकी दोनों डायमेंशन सेम होंगे। तो तभी जब हम बोलते हैं ना स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम बोलते हैं ऑर्डर 3। हम जस्ट एक डायमेंशन बता देते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, हमें पता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी दोनों डायमेंशन क्या हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। तो जब आप शुरू में स्पेसिफाई कर दोगे ना ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो फिर 3x3 या 2x2 या 4x4 बोलने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट 3 बोल दो या 4 बोल दो, क्योंकि हमें पता है दूसरी डायमेंशन सेम होंगी इसके। तो ये थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि जब आता है तो इस चीज का ख्याल रखना, एमसीक्यूज में कंफ्यूज नहीं होगे। वैसे एक पॉइंट बता दी कि ज़हन में रखना इसको। उसके बाद चौथी टाइप क्या हो जाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो सेम उसमें भी हम यही पढ़े। अच्छा, एग्जांपल आप लेट कर सकते हो, कितना मुश्किल नहीं है एग्जांपल लेट करना इसकी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो अगेन वही बात, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा एम बाई एन, वेयर एम नॉट इक्वल टू एन। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, जैसे आपने यहाँ पे देखा था एक रॉ है चार कॉलम है आपस में बराबर नहीं है, चार रॉ है एक कॉलम है, या 2x3 या 3x2 या 4x3, जब रॉ और कॉलम सेम ना हो, मतलब उनके नंबर से, मतलब सेम नंबर ऑफ कॉलम सेम नंबर ऑफ रॉस ना हो, तो उस वाली मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हो? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको तकरीबन हर जगह नजर आएंगी, जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर ही होगी, ठीक है।
अच्छा तो ये चार बेसिक टाइप हो गए, कोई सवाल है यहां तक? एक सेकंड, को और है? नहीं, सवाल पूछ लो, इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स है वो थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। कोई सवाल है, कोई इश्यू है तो पूछ लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो। यार एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, बल्कि इसके बगैर तो आपने मैट्रिसेस कंप्लीट ही नहीं है आपकी, और वो है डायगोनल मैट्रिक्स। सिंध बोर्ड में इसकी डेफिनेशन काफी फजूल लिखी हुई है, जिससे स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी होती है, तो मैं हक अदा करूंगा, जो अच्छी डेफिनेशन है वो मैं बता दूंगा आपको, जो सिंध बोर्ड में लिखी हुई है वो भी मैं बता दूंगा। सर इनकी कुछ टाइप्स होती हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। इनकी काफी टाइप्स होती है मेरे भाई, अभी पढ़ते जाओ, जब मैं सब टाइप पढ़ा दू ना उसके बाद अगर कोई सवाल हो ना टाइप से रिलेटेड तब पूछ लेना, अभी काफी टाइप पढ़ोगे, 15-20 टाइप से। डायगनल मैट्रिक्स पे आ जाओ। सिंध बोर्ड में डायगनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि डायगनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगनल एलिमेंट जो है ना वो नॉन जीरो है और बाकी एलिमेंट जो है वो जीरो होते हैं। अब सवाल ये कि डायगनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उनको जरा देख लेते हैं। मैं पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन बाद में ले पाऊंगा। एग्जाम्पल लेट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक बेसिक सी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। पहली चीज हमें पढ़नी है कि डायगनल क्या होता है। देखो डायगनल, अगर आपने स्क्वायर रेक्टेंगल फोर साइडेड फिगर पढ़ी है तो उसमें दो डायगनल होते हैं, एक डायगनल इस तरह जा रहा होता है, एक डायगनल इस तरीके से जा रहा होता है। पहली चीज, डायगनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर होती है, रेक्टेंगल में डायगनल मैट्रिक्स नहीं होती है, ध्यान में रखना। पहला पॉइंट ये कि डायगनल मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है? रेक्टेंगल मैट्रिक्स में आपको डायगनल मैट्रिक्स नजर नहीं आती, क्योंकि रेक्टेंगल मैट्रिक्स में आप डायगनल नहीं निकाल पाते। जो मैट्रिक्स शेप में तो आप निकाल लेते हो, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर आप डायगनल नहीं निकाल पाओगे। इसलिए जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उन्हीं को आप डायगनल बोल सकते हो, बाकी को नहीं बोल सकते। दो डायगनल होंगे, लेकिन हम जो डायगनल कंसिडर करेंगे उसको आप बोलते हो प्रिंसिपल डायगनल, मेन डायगनल, लीडिंग डायगनल। ये तीनों नाम है उसके, प्रिंसिपल, मेन या लीडिंग। ये कौन सा डायगनल होता है? ये वो डायगनल होता है जो टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होता है और बॉटम राइट पे खत्म होता है, ये वाला डायगनल। तो पहली बात आपने इस वाले डायगनल को कंसीडर कर लिया। अब आ जाओ, जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है और एनईडी में भी अगर आएगी तो ज्यादातर वही आती है, और वो डेफिनेशन ये है कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो हो, मतलब जीरो ना हो, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हो वो क्या हो, सारे जीरो के बराबर, तो उस वाली मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हो, डायगनल मैट्रिक्स बोलते हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट जो है डायगनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो हो। दूसरे बोर्ड का एक रफ कर दिया, वो बेसिक था। पता नहीं यार क्या कह रहे हो, सवाल समझ नहीं आया। अच्छा तो ये है डायगनल मैट्रिक्स, जो आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है उसी को फॉलो कर लेते हैं। मैं दूसरी भी बता दूंगा लेकिन इसको फॉलो कर लेते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएंगी। तो अब ये वाली डायगनल मैट्रिक्स है, ठीक है, और जो दूसरी वाली डेफिनेशन है उस पर भी आ जाओ। जो फेडरल बोर्ड और जो डायगनल मैट्रिक्स की असल डेफिनेशन जो है वो ये है कि जरूरी नहीं है, अच्छा बाकी एलिमेंट तो जीरो होने चाहिए, ये तो जहन में रखो, डायगनल के अलावा जो बाकी एलिमेंट है वो तो जीरो होने ही चाहिए, वरना डायगनल मैट्रिक्स होगी नहीं। सवाल ये कि डायगनल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? तो डायगनल एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं। सिंध बोर्ड की डेफिनेशन के मुताबिक डायगनल एलिमेंट जो है वो सारे जीरो ना होने चाहिए, कुछ ना कुछ नंबर होने चाहिए। लेकिन जो फेडरल बोर्ड है और जो अच्छी डेफिनेशन है वो ये है कि इन तीन एलिमेंट में से ना कोई जीरो भी हो सकता है। लेट कर लो ये जीरो हो जाए, अब भी ये डायगनल मैट्रिक्स है। लेट कर लो ये जीरो हो जाए, अब भी ये डायगनल मैट्रिक्स है, ठीक है? एटलीस्ट इन तीनों एलिमेंट में से ना एक जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी दो जीरो हो सकते हैं, एक जीरो हो सकता है, कोई भी जीरो नहीं हो सकता। इन सब कंडीशंस में वो मैट्रिक्स क्या कहलाई जाएगी, डायगनल मैट्रिक्स कहलाई जाएगी, और यही प्रॉपर डेफिनेशन होती है किसी भी डायगनल
मैट्रिक्स की, तो ये वाली भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा अगर यहाँ पे 1 2 0 और बाकी जगह 0 0 0 0 आ जाए तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और अगर इस तरह आ जाए तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें डायगोनल एलिमेंट एक है जो नॉन जीरो है, बाकी दो जीरो है, इसमें बाकी एक जीरो है और इसमें कोई भी जीरो नहीं है। तो तीनों मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। ये असल डेफिनेशन है, लेकिन आपकी बुक जो है वो इसको फॉलो कर रही होती है, वो कहती है कि तीनों एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए। बल ये नॉन जीरो वाली भी याद रख लो, कोई इतनी फर्क नहीं है बहुत ज्यादा, जो बेसिक दोनों बातें थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की बाकी टाइप्स भी है, जरा उस पर भी आ जाओ। अच्छा इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ पहले, वो डेफिनेशन बड़ी अच्छी है, जो ये मैंने बातें बताई है ना अभी। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ए आई जे जो है वो जीरो के बराबर होता है जब आई और जे आपस में बराबर नहीं, और एटलीस्ट वन ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो होता है जब आई इक्वल टू जे है। इस वाली वर्डिंग को ना अभी फिलहाल हटा दो, बाकी मैं जरा बता देता हूँ क्या मतलब है इसका। देखो आई इक्वल टू जे ये कौन कौन सी पोजिशन होती है, और आई नॉट इक्वल टू जे कौन सी पोजिशन होती है। अगर मैं 3x3 की बना रहा हूं तो उसके अंदर 9 एलिमेंट आप पुट करते हो ना, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, फिर इस तरह कर रहे हो, तो इसकी पोजिशन क्या होती है? 1/1, 1/2, 1/3। इसी तरह यहां पे होगी 2/1, 2/2, 2/3, मतलब दूसरी रॉ तीसरा कॉर्नर, फिर 3/1, 3/2, 3/3, तो 9 एलिमेंट्स की ये पूरी पोजीशन होती है। इसमें आई नॉट इक्वल टू जे कब होता है? इस वाली पोजीशन पे, क्योंकि देखो इसका नंबर होता है 1 2, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका होता है 1 3, ये भी आपस में बराबर नहीं है। इसी तरह इसका नंबर होता है 2 1, इसका नंबर होता है 2 3, इसका नंबर है 3 1, इसका नंबर है 3 2। इन सब पोजीशन पे अगर आप देखो तो आई और जे आपस में बराबर नहीं है, मतलब रॉ और कॉलम्स ये आपस में बराबर नहीं है इन पोजीशंस में। तो डायगोनल मैट्रिक्स में लिखा हुआ है कि जब भी आई नॉट इक्वल टू जे होगा, मतलब ऐसी पोजीशंस जिसमें ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर नहीं होंगे, तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? सारे जीरो के बराबर होंगे, मतलब वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे जो इन पोजिशन पे है। कौन सी पोजिशन? जिसमें इनके जो नंबर्स हैं वो आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जिसमें आई इक्वल टू जे है वो कौन कौन सी पोजीशन है? ये वाली, इसका नंबर होता है 1 1, इसका होता है 2 2, इसका होता है 3 3। तो अगर आप इन पोजीशन को देखो तो इन सब में बराबर है, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो जब आई इक्वल टू जे होगा, मतलब रॉ नंबर और कॉलम नंबर बराबर होगा, तो वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए। ये डेफिनेशन है आपके सिंध बोर्ड की। पंजाब बोर्ड के मुताबिक यहाँ पे एक वर्ड होता है एटलीस्ट वन, कहने का मतलब इन तीनों एलिमेंट में से एटलीस्ट एक जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। दो भी नॉन जीरो हो सकते हैं, तीन भी नॉन जीरो हो सकते हैं, जो मैंने डेफिनेशन ही बताई थी कि अगर ये दो जीरो हो जाए, ये नॉन जीरो है तब भी डायगोनल है, अगर ये दो नॉन जीरो है, ये जीरो है, तब भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन जीरो हो, तब आप उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहोगे। तो सिंध बोर्ड के मुताबिक ये पूरी डेफिनेशन है, और पंजाब बोर्ड और असल डेफिनेशन है कि आप एटलीस्ट वन कह देते हो, कि एटलीस्ट एक एलिमेंट भी नॉन जीरो होना तो उसको आप डायगोनल कह देते हो। बहुत डिटेल है, मैंने आपको बता दिए दोनों डेफिनेशन। आप अगर एग्जाम में जो चीज आई, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि जो डेफिनेशन सिंध बोर्ड में वो इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर एनडी वाले देंगे तो वो किस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, मैंने दोनों चीजें आपको डिटेल में बता दी, ठीक है। अब देखो इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि एक रूम होता है, उस रूम के अंदर सारी आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। मैं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहा हूँ। एक रूम है जिसके अंदर सारी आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। उसमें से कुछ स्क्वायर मैट्रिस ऐसी होंगी जो क्या होंगी? डायगोनल हो जाएंगी। सब स्क्वायर मैट्रिस डायगोनल नहीं होती ना, उन पूरे रूम में कुछ ऐसी मैट्रिस होंगी, लेट कर लो उस रूम के अंदर 1000 स्क्वायर मैट्रिस है, तो उसमें से 500 क्या है? डायगोनल मैट्रिस है। अब उन 500 डायगोनल मैट्रिस में से ना 400 जो है वो लेट कर लो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं। तो आपने ये देख लिया कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो बेसिकली टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स की। ये असल में बताना चाह रहा हूं कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स की। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ये पूरी होती है ना, पूरा आपने समझाया है,
मैं डायगनल मैट्रिक्स बनाता हूं, 1 2 3 0 0 0 0 0, ये एक डायगनल मैट्रिक्स है, ठीक है। आप इस डायगनल को आप स्केलर में कैसे कन्वर्ट करते हो? स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि वही बात है कि आई नॉट इक्वल टू जे, वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे, मतलब ये सारे बाकी के एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन जिसमें आई इक्वल टू जे है ना, वो सारे एलिमेंट एक सेम नंबर के बराबर होंगे। जैसे अभी तो ये तीनों डिफरेंट है ना आपस में, लेकिन अगर ये सेम हो जाए, कहने का मतलब ये थ्री हो जाए, इसी तरह ये भी थ्री हो जाए, तो अभी भी ये डायगनल मैट्रिक्स कहलाई जाएगी ना। मतलब एक सेकेंड, अभी भी अगर आप देखो तो एक डायगनल मैट्रिक्स है, इसको आप डायगनल मैट्रिक्स बोलोगे, लेकिन साथ साथ अब आप इसको स्केलर भी बोलोगे। उसकी रीजन ये है कि इसके जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, सब आपस में बराबर हैं। तो ऐसी डायगनल मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर होंगे, उस वाले मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हो? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हो। और इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी कि ए आई जे जीरो के बराबर है For all I not equal to J, मतलब बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, obviously diagonal matrix है, और जो diagonal वाले एलिमेंट्स हैं, वो क्या होंगे? किसी K के बराबर होंगे, मतलब किसी fixed number के बराबर होंगे। वो number rational भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, कोई fraction भी हो सकती है, बस एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, किसी K के बराबर होने चाहिए। जब I equal to J है, मतलब ये वाले सारे जो एलिमेंट है ना, ये आपस में बराबर होने चाहिए। अच्छा, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गए। तो वही जो मैंने आप लोगों को रूम की एग्जांपल दी थी कि एक रूम है जिसके अंदर 500,000 स्क्वायर थी, उसमें से 500 डायगनल थी। अब 500 में से आपने 400 मैट्रिक्स उठाई जो कि स्केलर थी, उन 400 स्केलर मैट्रिक्स में से कुछ क्या होंगी? यूनिट मैट्रिक्स होंगी। तो यहां से आपने देख लिया कि यूनिट मैट्रिक्स जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स की टाइप है। और होती क्या है स्केलर मैट्रिक्स में? आपने पढ़ा था ना कि डायगनल एलिमेंट जो है वो बराबर होने चाहिए। तो यूनिट मैट्रिक्स में एक ही डायगनल एलिमेंट्स बराबर तो हो, लेकिन अगर वो वन है तो उस वाली मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? यूनिट मैट्रिक्स। जैसे अगर आपके पास ये चीज लिखी हो, तो इस वाली मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? यूनिट मैट्रिक्स। अब ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगनल एलिमेंट तो बराबर है ना इसके, लेकिन डायगनल एलिमेंट बराबर है लेकिन वन के बराबर है। तो अब इस स्केलर मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? यूनिट मैट्रिक्स, या इसका एक और नाम भी होता है, इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हो, ठीक है। और इसकी जनरल फॉर्म में बस फर्क ये होगा कि जैसे स्केलर में यहां पे के था ना, के कोई भी नंबर होता था, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में वो नंबर वन होगा। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आई नॉट इक्वल टू जे वाले सारे एलिमेंट जीरो होंगे जो आपको नजर आ रहे हैं, और जिसमें I बराबर है J के, मतलब ये तीन एलिमेंट्स, ये सब क्या होंगे? वन के बराबर होंगे। तो उस वाली मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? यूनिट मैट्रिक्स, या आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। आप बस इनकी ज्यादातर आपसे इसी तरह एग्जांपल पूछी जाती है कि वो मैट्रिक्स दे देंगे आपको कोई भी एग्जांपल और बोलेंगे बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये यूनिट है, ये स्केलर है, या क्या है। एक इस तरीके से इनका सवाल आ सकता है, या दूसरा मेथड ये कि वो आपको इस तरह डेफिनेशन देके पूछ लेंगे जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई भी है। इस सिंबल्स में भी आ सकती है, और इसको अंग्रेजी में भी बना के दे सकते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगनल एलिमेंट्स के अलावा एलिमेंट जीरो हो और डायगनल एलिमेंट सारे बराबर हो, तो उसके लिए डेफिनेशन हो जाएगी। अगर डायगनल एलिमेंट वन के बराबर हो तो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अंग्रेजी में भी आपसे पूरी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या इन सिंबल्स की फॉर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं, दोनों तरीके से वो पूछ सकते हैं। बस ये टॉपिक खत्म कर रहा हूं मैं, आखिरी बात है इसमें से, और आखिरी बात ये है कि लेट कर लो अगर आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाए। अब ऑप्शन में आपके पास क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर, डायगनल, स्केलर, आइडेंटिटी। ये चारों ऑप्शन ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्या? बिल्कुल है, ये डायगनल भी तो है, ये स्केलर भी तो है, और ये आइडेंटिटी भी तो है। तो अगर आपके चार ऑप्शन इस तरह आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपने आइडेंटिटी पर टिक करना है, क्योंकि सबसे अच्छा आंसर कौन सा है? आइडेंटिटी है। क्योंकि जब चीजों की टाइप्स होती है ना, जब आपके पास चार टाइप्स लिखी हुई है, तो जो स्पेसिफिक टाइप है ना उस पर आप टिक करते हो। आप जनरलाइज बात नहीं करते, आप इसको स्क्वायर नहीं लिखोगे, जो स्पेसिफिक टाइप है आप उस पर टिक कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक ऐसी कंडीशन आए कि लेट कर लो आपके पास ये चीज आ रही है,
कि तीन ऑप्शन ये हैं और चौथा ऑप्शन आ रहा है ऑल, तो अब डेफिनेटली आप ऑल पे लगाओगे, ठीक है। जरा फर्क इनमें देख लो, पहले में था कि आपने बेस्ट आंसर देखना था, अब इस एमसीक्यूज में अगर आप देखो तो तीनों ऑप्शन ठीक है, इसमें बेस्ट का चक्कर ही नहीं है ना। जब आखिरी ऑप्शन उन्होंने दे दिया ऑल का, तो इसका मतलब आप ऑल पे लगाओगे, ये डायगनल भी है, ये स्केलर भी है, ये आइडेंटिटी भी है। और अगर चार ऑप्शन होते तो मतलब जिसमें स्क्वायर भी आता था, तो फिर जो स्पेसिफिक था आइडेंटिटी वो यहाँ पे आप ठीक कर देते। तो ये एमसीक्यूज में इस तरह कंफ्यूज कर सकते हैं। बाकी जितनी टाइप्स मैंने आप लोगों को बता दी है, मतलब सब टाइप्स नहीं हुई, ये जो चार टाइप है ना जो एक जैसी है ये मैंने बता दी आपको। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो, ये चार टाइप है या तीन टाइप्स है, कोई और सवाल है यहां तक तो पूछ लो। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नॉर्मली हम आई से लिख रहे होते हैं, और आई के मैं यहां पे भी चेंज कर देता हूं कि इस तरह लिख देते हैं आई। और नॉर्मली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और एक और बात ध्यान में रखना कि स्टूडेंट इसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझते हैं, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, इसको कभी भी गलती नहीं करना आइडेंटिटी कहने की। आइडेंटिटी वो होती है जो मेन डायगनल जो है, प्रिंसिपल डायगनल जो है, लीडिंग डायगनल जो है, ये वाला, इसमें सब मान होने चाहिए। ये वाला डायगनल जो है ये मेन डायगनल नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, ये मैंने सब एग्जाम्पल दिए 3x3 की, जरूरी नहीं कि सारी मैट्रिक्स 3x3 की होती है, 2x2 की भी होती है, 4x4 की भी होती है, लेकिन नॉर्मली हम 3x3 ज्यादातर पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल आपको उसी फॉर्म में दिया। अगर 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे तो इस तरह बनेगी, ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम नॉर्मली इसको आई लिखते हैं और उसके नीचे ये लिख देते हैं, तो इस I3 का मतलब ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब उसके अंदर तीन रॉ होंगे, तीन कॉलम होंगे। इसी तरह अगर I4 लिखा हो तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। उसके बाद बड़ी इजी डेफिनेशन है, और मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स भी आप कहते हो या एम्प्टी मैट्रिक्स भी कहते हो उसको, ज्यादातर इसका जो मशहूर नाम है वो नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट जो हैं वो सारे जीरो हैं। अच्छा, नल मैट्रिक्स स्क्वायर होना शर्त नहीं है। नल मैट्रिक्स मैं चलो जानबूझ के रेक्टेंगल बना देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट समझते हैं कि जो नल मैट्रिक्स है ना वो भी स्क्वायर होती है, जरूरी नहीं है, वो स्क्वायर हो भी सकती है, वो स्क्वायर नहीं भी हो सकती। जैसे ये मैट्रिक्स जो है एक नल मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ऑर्डर देखो तो इसका ऑर्डर है 3x4, नल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो स्क्वायर भी हो सकती है अगर स्क्वायर हो, जैसे ये वाली सिचुएशन है, अब ये स्क्वायर बन गई है तो अब आप इसको क्या बोलोगे, O3। वैसे आप O से शो करते हो नल मैट्रिक्स को, और नीचे जब आप 3 लगाओगे इसका मतलब यहाँ पे जो नल मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर क्या है 3 के बराबर है। जब भी आप देखो नीचे एक नंबर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपको 2 बताने की जरूरत नहीं होती, आप एक बताते हो उससे काम चल जाते हैं। तो अगर O3 लिखा हो इसका मतलब नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब नल मैट्रिक्स तब स्क्वायर हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि नल मैट्रिक्स हर सिचुएशन में स्क्वायर होगी।